हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अफसाना। और आप सभी आज मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है कुरकुरी भिंडी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पर उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम भिंडी, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम भिंडी को कट करेंगे, जिसके लिए हम इसके आगे का और पीछे का हिस्सा कट करके हटा देंगे और भिंडी को इसी तरीके से लंबे शेप में कट करेंगे। तो अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके 4 टुकड़े कर रही हूँ, आप चाहे तो इसके 2 ही टुकड़े करें। अब हम जो ये बीच का हिस्सा है, इसका बीए वाला हिस्सा है, उसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके बीए को अच्छे से निकाल लिया है। जो बीच का हिस्सा था उसे मैंने अच्छे से कट करके निकाल लिया है। इसी तरीके से हमें बाकी भिंडियों को भी कट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी भिंडियों को कट करके रेडी कर लिया है। तो अब हम एक बाउल लेंगे, जिसमें हम ये कट की हुई भिंडियों को डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, दो बड़े चम्मच चावल का आटा, 1.5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जितना आपको तीखा पसंद है आप उसी हिसाब से मिर्च डालें, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर डालना ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप ना डालें। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है पानी, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम पानी यूज़ किया है, 1 या 2 चम्मच समझ लीजिए। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस, यानी कि 1/2 नींबू का रस। तो यहाँ पे हमारी भिंडी फ्राई होने के लिए एकदम रेडी हो गई है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम अपनी भिंडियों को इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इसे हमें तेज आंच में ही फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी भिंडियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगता है इसे हमें फ्राई करने में। तो यहाँ पे हमारी भिंडियाँ रेडी हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे तैयार है हमारी भिंडी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। तो इस तरीके से हम भिंडी के ऊपर चाट मसाला छिड़क देंगे, इससे स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रेडी है हमारी कुरकुरी भिंडी। कैसी लगी आपको मेरी ये कुरकुरी भिंडी की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।